भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल का जन्म 31 अक्टूबर 1962 हरिद्वार के लक्सर में हुआ। पिता हरिश्चंद्र अग्रवाल, माता रामकली देवी के घर जन्मे अनिल अग्रवाल ने अपनी स्कूली शिक्षा केवी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार में किया। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया, इलाहाबाद से MBA फाइनेंस और फ्रांस से PhD की डिग्री हासिल की। पेशे से इंजीनियर और शिक्षाविद डॉक्टर अनिल अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। राजनीति में भी उनका परिवार दखल रखता है। उनके मुताबिक राजनीति जनसेवा का बड़ा माध्यम है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अनिल अग्रवाल को राज्यसभा भेजा। मैं अनिल अग्रवाल, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डॉक्टर अनिल अग्रवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अनिल अग्रवाल की बात करें तो उनका स्वभाव बहुत ज्यादा सरल, लोगों से बहुत जल्दी ही कनेक्ट हो जाते हैं। और गाजियाबाद की जनता की बात करें तो जनता बड़ी ही आसानी के साथ अपने सांसद से मुलाकात कर पाती है। इन सब चीजों के बीच जब डॉक्टर अनिल अग्रवाल से पूछा गया कि कुछ ही समय बचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तैयारियां किस तरीके से हैं, इस मामले पर सुनिए क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल का। सर, यदि आपकी बात करें राज्यसभा सांसद होने के नाते संसदीय क्षेत्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, उस कार्य को आप किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? ये देखिए, एज राज्यसभा है MP, मेरा क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरा जो नोडल डिस्ट्रिक्ट है वो गाजियाबाद है। तो मैं गाजियाबाद में जो भी विकास कार्य हैं, जो भी जनता की दिक्कतें हैं, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूँ उनका समाधान करने के लिए। जितने दिन मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, पार्लियामेंट जिन दिनों चलता है उसके अलावा, रोज सुबह मैं 9 बजे से जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ, जनता दर्शन करता हूँ, उनके काम करता हूँ। गाजियाबाद एक ऐसा जनपद है जहाँ लोगों की आकांक्षाएं बहुत है, क्योंकि ओवरऑल गाजियाबाद की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेहतर है दूसरे जिलों से उत्तर प्रदेश के। अभी मैं हाल ही में आपको बताऊँ, गाजियाबाद में 337 करोड़ रुपये सेंक्शन कराए हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण के लिए। गाजियाबाद में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा गाजियाबाद जनपद से जाता है। ईस्टर्न पेरिफेरल जो कोंडली से और फरीदाबाद तक पूरा जाता है, उसका अधिकांश हिस्सा गाजियाबाद जनपद से जाता है। हिंडन एयरपोर्ट मेरे MP बनने के बाद वहाँ पे वजूद में आया, जिससे गाजियाबाद एयर कनेक्टिविटी के जो मानचित्र है उस पर आया। आज गाजियाबाद में मेरा 2018 में MP बना, उसके बाद वहाँ मेट्रो रेल शुरू हुई, एलिवेटेड रोड शुरू हुई, तो गाजियाबाद में चहुमुखी विकास हुआ है। आज गाजियाबाद का औद्योगिकरण बहुत तेजी से हो रहा है। अभी जो इन्वेस्टर समिट है उसमें भी गाजियाबाद जनपद के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और गाजियाबाद अकेले शहर से लगभग 5,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। यदि आपकी बात करें तो आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? नहीं देखिए, मैं अपनी क्षमताओं के अनुसार हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना भी मैं काम कर सकूँ करूँ। ये तो जनता को तय करना होता है कि वो हमारे काम से कितना संतुष्ट है। क्योंकि देखा जाए तो आपके लोग बहुत तारीफ करते हैं कि आपके दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, ये तो जनता तय करती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे यहाँ तक आ रहा है मैं उसको मान सम्मान दूं, उसका जो भी काम काज है उसको मैं समाधान करूं। देखा जाए तो आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में आप लोगों की तैयारियां किस तरीके से हैं? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता 24/7 जनता की सेवा में करते हैं। हम लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमेशा तैयारी करते हैं, हम केवल परीक्षा आने पर तैयारी नहीं करते। बाकी लोग केवल जब चुनाव आता है तब तैयारी करते हैं, तब निकलते हैं। हम लोग तो रोज जनता के बीच में रहते हैं। आप देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व में भारत की एक धाक बनी है वो अपने आप में बहुत ही इनक्रेडिबल है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा
कर्नाटक में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का जो है लोकार्पण किया गया है। तेजस हवाई जहाज हिंदुस्तान में बन रहा है, मिसाइल बन रही हैं। एयरो स्पेस में आज भारत एक बड़ी ताकत है। नासा और हिंदुस्तान की जो इसरो है वो मिलके एक बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत एक बड़ा शक्ति है उसको दर्शाती है। वर्तमान में पॉलिटिक्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। आपको क्या लगता है कि आखिरकार रामचरितमानस को इतना टारगेट क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं क्या है, ये जो लोग है ना ये विकास की राजनीति नहीं करते, कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात नहीं करते, औद्योगिकरण की बात नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, इनका एजेंडा दूसरा है। ये जातिवादिता में समाज को बांट के उसके वोट लेने का काम करते हैं। रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि उस चौपाई का अर्थ क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका रामचरितमानस पे विश्वास ना हो वो तो और बहुत सारी चौपाइयां ऐसी पढ़ सकता है जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। रामचरितमानस के बारे में मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया जाति व्यवस्था को लेकर कि भगवान ने नहीं धरती के लोगों ने बनाया है, इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। मैंने कहा ना यहाँ लोगों को आज मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, उनका काम करने के तरीके को देख के इनकी समझ में नहीं आता विपक्षी साथियों की कि कैसे उनको एनकाउंटर करें, तो इनको कुछ भी लगता है उसी को लेके ये काम करना शुरू कर दें। लेकिन आज जनता बहुत समझदार है और जनता काम को देखती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, ये क्या संभव था? कोविड की वैक्सीन दुनिया भर की वैक्सीन के साथ हिंदुस्तान में डेवलप हुई, माने मोदी जी ने सबको प्रोत्साहित किया। अदरवाइज इंसेफेलाइटिस जैसी वैक्सीन जो है 100 साल बाद हिंदुस्तान में आई, पोलियो जब पूरी दुनिया से खत्म हो गया तब हिंदुस्तान में उस पर काम होना शुरू हुआ। जब शुरू हुआ कोविड महामारी तो दुनिया को चिंता थी कि भारत इसको कैसे एनकाउंटर करेगा, और आज ये स्थिति है कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि कैसे इन्होंने बेटर मैनेजमेंट किया। आज वंदे भारत ट्रेन जो है वो चल रही है, लोगों का समय बच रहा है। अभी हाल के बजट में इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सरफेस ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर ऑल टाइम हाई, कई कई गुना ज्यादा उस पर बजट दिया गया। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होता है उससे रोजगार भी बढ़ता है, बिजनेस के एवेन्यूज बढ़ते हैं, किसान भाइयों को अपनी फसल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सुविधा होती है, उनको बेहतर रेट्स मिलते हैं। पिछले बजट में जिस तरह से किसान रेल शुरू की गई थी आज उसका किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास जगाती हैं और ये लोग उनकी लोकप्रियता से परेशान होके इस प्रकार का कृत्य करते हैं। आप बजट की इतनी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बजट में क्या है, बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए कुछ नहीं। देखिए वो विपक्ष में है तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको हर चीज की माफी है। आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा तो आप क्या समझते हैं उससे रोजगार पैदा नहीं होंगे? सड़क बनेगी तो उस पर काम होगा, कॉन्ट्रेक्टर काम करेगा, उस पर टेक्नीशियन काम करेंगे, उसमें सीमेंट लगेगा, उसमें स्टील लगेगा, स्टील प्लांट को काम मिलेगा, सीमेंट प्लांट को काम करेगा। जब उस पर काम करने वाला है उसकी जेब में 2 पैसे आएंगे, वो बाजार में अपना इन्वेस्ट करेगा। तो ये पूरा इकोनॉमिक चेन है। राहुल जी तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते, हम ही क्या उनकी अपनी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। 2024 को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आज भारत के नागरिकों ने भारत की बढ़ती जो ताकत है उसका आनंद लेना शुरू कर दिया है। आज भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज अगर आप भारत के रुपए की तुलना
बाकी बहुत सारी करेंसीज से करें तो रुपया मजबूत हुआ है। आज फ्री ट्रेड होने जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज के साथ, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं ताकि व्यापार अच्छा हो सके, उसका फायदा भारत की जनता को और आम नागरिकों को भी मिलेगा। आज भारत में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रुपी कन्वर्टेबल होने जा रहा है, तो आप देखिए ये कितना बड़ा कदम है। ये एक सेंटेंस है लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर होगा और आने वाले कुछ ही समय में आप देखेंगे भारत विश्व की कम से कम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और हिंदुस्तान के आम नागरिक के जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। आखिर में चलते चलते आप गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता, उन्होंने सपा बसपा का कार्यकाल देखा है किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, आज लैंड ऑर्डर की बेहतर व्यवस्था है, किस प्रकार से अंधेरों में शहर रहते थे, आज पूरे 24 घंटे बिजली मिल रही है, आज औद्योगिकरण हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवेज की बाढ़ आ गई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हर जिले में लगभग होने जा रहा है, और इस बार तो बजट में माननीय मोदी जी ने बहुत छोटी सी बारीकी पे भी ध्यान दिया है, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी और योगी जी में विश्वास दर्शाती हैं और उसका परिणाम होगा कि उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 80 में से हम 80 सीटें इस बार जीतेंगे।